एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज के इस वीडियो में आप लोगों के यहाँ पे डाउट को यहाँ पे क्लियर करने आई हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट के पास एक मैसेज आया जो कि मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। उसमें आप लोगों को ये बोला गया है कि आपका जो प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी से रिलेटेड आप लोग को 20 अप्रैल को कॉलेज में बुलाया जा रहा है। तो ये सारे यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। छोटी वीडियो बनाऊंगी तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल से डेली इवनिंग में 7 o'clock आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक मैसेज जो कि मैं स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिखा रही हूँ। इसमें आप लोगों को बोला गया है, खासकर वो स्टूडेंट जो कि CCS यूनिवर्सिटी के LCP कॉलेज में हैं, उनके ये पास मैसेज आया है। तो इस मैसेज में साफ साफ बोला गया है कि 20 अप्रैल को से प्रेजेंटेशन यानी जो आप PPT बनाएंगे उसको किस तरीके से आप वहाँ पे बताएंगे, कैसे आपको क्या क्या बोलना है, वो सब बताया जाएगा। सिर्फ आप लोगों का अभी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के बाद होता है। इस बार CCS यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से आप लोग अपने प्रेजेंटेशन यानी PPT जो आपको बनानी है उसको आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो आप लोग, खासकर वो स्टूडेंट जो कि LCP में है, सिर्फ उनके लिए ये मैसेज अभी आया है। बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट जो कि CCS यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेज से हैं, आपके पास भी ये मैसेज आया है तो आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करने से बाकी और स्टूडेंट के हेल्प हो जाएगी कि हाँ इस तारीख को आपका मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए बुलाया जा रहा है। इसमें मैसेज में साफ साफ लिखा है कि ये मैंडेटरी है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम यानी कि जो फाइनल आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको हेल्प होगी और इसके आपको तैयारी कराई जा रही है कि किस तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशन पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं बनाई है, पहले से PPT रेडी नहीं करी है, एग्जाम से पहले अपने पास करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मैंने एक PPT की वीडियो भी बनाई है कि आप लोगों को दो मेन सब्जेक्ट पर PPT बनानी होती है। अब बेसिकली कॉलेज वाले एक ले लेते हैं, वो आप लोग अपने कॉलेज में कंफर्म कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग PPT को रेडी कर सकते हैं। दो मेन सब्जेक्ट का मतलब जो BEd फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा होगा कि पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एक्सेट्रा, ये जो सब्जेक्ट थे, दो जो मेन सब्जेक्ट लिए थे उन्हीं में से 6 to 8 का कोई भी एक टॉपिक आपको लेना होता है। अगर आप इंग्लिश में हैं, सोशल साइंस में, बायोलॉजिकल का है, कोई सा भी एक टॉपिक ले लीजिए बेसिकली, और उस पर आपको 10 to 12 पेजेस की PPT रेडी करनी होती है और बस वही आपको CD में ले जानी होती है पहला। और दूसरा आप लोगों को क्या करना होता है, उसकी हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता है, आपको उसको प्रिंट आउट करके उसकी लेके जानी होती है कॉलेज में, हमें प्रैक्टिकल वाले दिन सबमिट करना होता है। तो आप लोग पहले से अरेंज कर सकते हैं, बाकी टॉपिक आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आप में से कॉलेज में कोई आपको टॉपिक दिया गया है तो भी आप अपने उनसे बना लीजिए, बट खासकर आप लोग अपने मर्जी से टॉपिक बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट को PPT बनवानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगी ऑन टाइम, और चार्जेस मैं आप लोगों को व्हाट्सअप पे बता दूंगी। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि PPT में जो 20 तारीख में, उसमें कुछ नहीं, आपको एक पेन पेपर लेके जाना है। सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करना है, आपको एक तरीके से सिखाया जा रहा है। अभी आपके फाइनल में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो एग्जाम के बाद होते हैं। वो कब होगा, एग्जाम कब होंगे, उसका जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको इस चैनल पर दे दूंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को बहुत डाउट है। 5 दिन बचे हैं और इसके लिए बच्चों के माइंड में कहीं वो रेडी होकर फुल ना चले जाएं, क्योंकि एक ड्रेस कोड होता है जब आपके प्रैक्टिकल देने जाना होता है। तो अभी के लिए फिलहाल जब आप 20 को कॉलेज जाएंगे तो उसके लिए ड्रेस कोड नहीं है, आप लोग नॉर्मल जा सकते हैं, बस आपको सिखाया जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मैं जल्द से जल्द मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।